तो ये सीधी तस्वीर आप देखिए लखनऊ कैंट से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। बता दें कि आज देखिए विजय कारगिल दिवस है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको देखिए लखनऊ से दिखा रहे हैं। आज कार्यक्रम रखा गया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। बता दें कि आज विजय कारगिल दिवस है और तमाम तरह के आज कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शहीदों के निर्वाण के लिए पहुंचे हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज पूरे देश में आज विजय कारगिल दिवस मनाया जाएगा। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं। बता दें कि आज विजय कारगिल दिवस है को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, सभी शहीदों को नमन भी किया उन्होंने। तो देखिए देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे होंगे, आज शहीदों को नमन करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। तो देखिए कारगिल विजय दिवस आज है और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सीधे तौर पर देख रहे हैं लखनऊ में, जहां पर वो शहीदों का नमन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। देखिए विजय कारगिल दिवस पर आज शहीदों को नमन देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तो कई तरह के आज कार्यक्रम भी रखे गए हैं जिसमें सीएम आज शामिल होंगे। पूरा देश आज विजय कारगिल दिवस मना रहा है। बता दें कि सभी देशवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस भी है आज। ये 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था और जिसमें भारत की जीत हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी शहीदों को नमन के लिए पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सेना के जवानों के शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, उन युद्ध वीरों को नमन करने के लिए कैंटोनमेंट के एमबी जो क्लब है वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। शहीदों के परिवारों को वहां पर बुलाया गया है और उनको सम्मानित किया जाएगा सीएम के द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंच चुके हैं कैंटोनमेंट के एमबी क्लब में और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि बड़ा दिन है आज शहीदों को नमन करने का, कारगिल में जिस तरीके से अपने जो है जीवन को बलिदान किया था जवानों ने, उनको उनकी बलिदान को कहीं ना कहीं नमन करने का दिन है, उन्हें पुष्पार्पित करने का दिन है, उन्हें याद करने का दिन है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है कार्यक्रम उनके रखे हुए हैं। उस कार्यक्रम के तहत आज अभी एमबी क्लब पहुंचे हुए हैं, जहां पर कैंटोनमेंट में ये कार्यक्रम है और जवानों को शहीद जवानों को नमन किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद शहीद स्मारक में भी कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर भी जो विजय कारगिल के लोग थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को भी बुलाया गया, तो वहां पर भी कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे। जी नंदनी जी, देखिए कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रजत जयंती समारोह भी है, और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचेंगे?
बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में, और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सेना के तमाम शीर्ष के जो अधिकारी हैं, खास करके लखनऊ बोर्ड के कैंट के वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मेजर मौजूद है, जनरल मेजर मौजूद है, कर्नल यहाँ पर मौजूद है, जो लखनऊ कैंटोनमेंट के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, शहीद हुए परिवार कई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि रजत जयंती के तौर पर मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस, तो ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसी आयोजन पर पहुंचे हुए हैं, कारगिलों को के शहीदों को नमन करेंगे, और चूंकि विजय दिवस के रूप में, शौर्य दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, तो सीएम यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कारगिल में मौजूद थे उसी युद्ध में और विजय पताका लहराने में उनका बड़ा योगदान था, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल संजू, देखिए इतिहास में ये दिन गर्व का दिन है, इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट भी किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर पर ये पोस्ट करके कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की थी कि आज का शौर्य का दिन है, विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी थी उन तमाम जवानों को और साथ ही साथ उनके परिवार को, जिनके परिवार के का बेटा शहीद हुआ था कारगिल की को जीतने में पहाड़ियों में। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप खबर